हम खड़े हैं रायसेन के सागर मार्ग पर। आप मेरे पीछे देखिए, यह है सेंट्रल बैंक, भारत का लीडिंग बैंक है। इसके चारों तरफ कहीं पे भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा घुमा के बताएं लोगों को, यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग आते हैं, परेशान होते हैं, आधा रोड यहाँ बैंक आने वाले की गाड़ियों ने घेर रखा है। जब हमने यहाँ के बैंक मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम इस संबंध में कुछ भी बात नहीं करेंगे आपसे। सेंट्रल बैंक के मैनेजर इस बात से साफ मुकर रहे हैं कि हम आपसे कोई भी बात नहीं करेंगे। बैंक उनका है, जनता यहाँ परेशान हो रही है। मेरे आप पीछे वहाँ तक दिखाएं, देखिए आप वहाँ तक, ये गाड़ियाँ वहाँ तक लाइन से लगी हुई हैं और आधा रोड जाम हो चुका है। लेकिन बैंक अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। करीबन 3 महीने पहले हम यहाँ आए थे, तब जो यहाँ बैंक के मैनेजर थे उन्होंने कहा था कि नहीं, हम पार्किंग की व्यवस्था कराएंगे और यहाँ पे एक बोर्ड लगवाएंगे और नगर पालिका से अनुरोध करेंगे कि पार्किंग के लिए कोई अच्छी व्यवस्था करें। लेकिन आज 3 महीने के बीतने के बाद भी बैंक मैनेजर तो बदला गए लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं बदलाई है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इधर बैंक के पीछे आप देखिए कि उनकी प्रिंटिंग की मशीन है, यहाँ पर पासबुक प्रिंट कराते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। यदि कोई आता है, परेशान होता है कि पासबुक प्रिंट नहीं हो रही है, तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, उसकी कोई सहायता नहीं की जाती है। क्योंकि सूत्रों ने बताया है कि ये किसी प्राइवेट संस्था को दे रखी है उन्होंने, जबकि ये बैंक का काम है कि वह अपना आदमी यहाँ पर एक तैनात करे जिससे कि आम जनता परेशान ना हो। इस संबंध में भी बैंक मैनेजर ने हमसे मना कर दिया कि हम आपको इस संबंध में कोई जवाब नहीं देंगे। आप हमारे लीडिंग, हमारे जो भी आरएम हैं उनसे आप लिखवा के हमें दीजिए, इसके बाद ही हम आपको कोई जवाब दे पाएंगे। इतना एक बैंकर्स का ये जवाब हमें बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि एक मैनेजर ऐसी बात कर रहा है हमसे कि हम आपको कोई बाइट नहीं देंगे, हमें आपको कोई जवाब नहीं देंगे। अब देखना ये है कि इस न्यूज़ चलने के बाद क्या असर होता है। मैं आवाज़ न्यूज़ से राकेश जैन रायसेन, क्या कहना चाहते हैं जी? अब सेंट्रल बैंक पे आते हैं, यहाँ पर कोई पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है और यहाँ की जो प्रिंटिंग मशीन है वहाँ पर कोई गार्ड मौजूद नहीं रहता, जिस वजह से हमारा मशीन कभी क्या काम करती है कभी बंद रहती है, तो इस वजह से हमें ये दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पर हम जो कंप्लेंट करते हैं इनके स्टाफ और मैनेजर से, तो उसका कोई रिस्पॉन्स हमें मिलता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरवाज खान। सर, शहर की यातायात व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, खासकर बैंकों के सामने हमेशा जाम लगा रहता है, आम जनमानस बहुत परेशान है, वहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उस संबंध में आप कुछ कर पाएंगे सर? हाँ, इसके लिए मैं यातायात पुलिस या यानी कि संपूर्ण जो डिस्ट्रिक्ट रायसेन है वहाँ के थाना प्रभारियों को मिलकर के एक ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके संबंध में उनको यातायात के नियमों को अच्छी तरह से समझाएंगे और उनको कैसे फॉलो किया जाएगा ये भी ट्रिप्स बताएंगे। उनके तहत जो अभी हाल में ही जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन हुए हैं, उन संशोधन के माध्यम से उनको किस प्रकार से कार्रवाई करनी है वह समझाई जाएगी, उसके संबंध में ट्रेनिंग देंगे और उस कार्रवाई करने के लिए वो कहां पर अक्षम पाए जाते हैं उसके संबंध में देखेंगे और उनको जागरूक करेंगे, आम जनता को जागरूक करेंगे। और जो जहाँ तक रायसेन शहर की यातायात व्यवस्था की दृष्टि को देखते हुए, जो जगह जगह पर ठेले लगा लेते हैं या जगह जगह पर गाड़ियां लगा देते हैं, उनके संबंध में हॉकर्स जोन बनाने के लिए एसपी साहब से मिलकर के एक मीटिंग करेंगे और उसको इस तरह से हॉकर्स जोन बनाएंगे और बीच में गाड़ी रोकने के लिए उनको निषिद्ध करेंगे और ऐसा प्रचार प्रसार कराएंगे और उसके कार्रवाई करेंगे।